और पटना जिला के जिलाधिकारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आज संपूर्ण क्रांति दिवस है, कैसे नमन करते हैं जेपी साहब को? आज यहाँ पर संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन के द्वारा इनको शत शत नमन किया गया है। इनके योगदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, और जो युवा पीढ़ी है, आने वाले जनरेशन्स हैं, इससे सीख लेनी चाहिए कि किस प्रकार से क्रांतिकारी विचारों से हम लोग समाज को सही दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल, तो जो युवा हैं उनको सीख लेना चाहिए कि क्रांतिकारी विचारों से हम लोग समाज को किस दशा एवं दिशा में ले जा सकते हैं। जयप्रकाश नारायण ने बिल्कुल बुजुर्ग थे, उसके बाद में ये आंदोलन संपूर्ण क्रांति का लगाया।